जब दो न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आपको पता है क्या होता है, सोना ही सोना, चारों तरफ सोना ही सोना और प्लैटिनम, हाँ इतना महंगा, जी हाँ, जैसी भारी धातुओं का निर्माण होता है। जी हाँ, वैज्ञानिकों को मिली सोना बनाने की अद्भुत फैक्ट्री, कुछ ही सेकंडों में बना दिया अथाह सोना और प्लैटिनम। वो सोना, जी हाँ, मैं उसी सोने की बात कर रहा हूं जो जिस सोने को हर आदमी की चाहत होती है। जी हाँ, मैं उसी सोने की बात कर रहा हूं, गोल्ड ही गोल्ड। जी हाँ, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने हमारे मिल्की के पास एक आकाशगंगा में असामान्य रूप से शक्तिशाली गामा किरणों के विस्फोट का पता लगाया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस विस्फोट का कारण दो न्यूट्रॉन स्टार का विलय हो सकता है। इसकी प्रकाश तीव्रता 1 किलोनोवा आंकी गई है। आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब न्यूट्रॉन स्टार आपस में बूम टकराते हैं या न्यूट्रॉन स्टार किसी ब्लैक होल से टकराता है। माय डियर फ्रेंड्स, नासा के नील गैल्स स्विफ्ट वेबशाला और फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप द्वारा दिसंबर 2021 में इस विस्फोट का पता लगाया था। इसमें इंफ्रारेड प्रकाश की अधिकता थी और यह बहुत कम समय में हुआ था। इसी से वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि यह सुपरनोवा ना होकर कुछ अलग ही है। अमेरिका में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में जिलियन रस्टिन जाद के नेतृत्व में एक रिसर्च में ब्रिटेन में बर्गिमम विश्वविद्यालय और लेसेस्टर विश्वविद्यालय और नीदरलैंड के रेड बॉर्ड विश्वविद्यालय के भौतिकवाद में भी ये चल रहा है। क्यों खास है आखिर ये विस्फोट, कैसे आखिर बनता है सोना ही सोना? जी हाँ, माड़े फ्रेंड्स, नेचर और जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार यह 1 किलोनोवा था, जो बहुत ही दुर्लभ घटना थी। इस घटना में दो या अधिक न्यूट्रॉन स्टार अथवा न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल आपस में बूम टकराते हैं। इस घटना के फलस्वरूप सोना सोना सोना, जी हाँ, प्लैटिनम जैसी भारी धातुओं का निर्माण होता है। बर्गिमम यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मैट निकोल के अनुसार इस घटना में हमारी पृथ्वी से भी करीब 1000 गुना अधिक वजन वाले भारी तत्व की बात कर रहा हूं, लोहा सोना प्लैटिनम आदि का निर्माण होता है। निकोल के अनुसार यह इस विचार का समर्थन करता है यह किरणोवा ब्रह्मांड में सोना बनाने की मुख्य फैक्ट्री है। जी हाँ, काश की वो फैक्ट्री हमारे हाथ लग जाए। माय डियर फ्रेंड्स, जी हाँ, आपको पता है बर्गिम विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर बेंजामिन गोम्पार्ज कहते हैं यह उल्लेखनीय जीआर भी था, हमें उम्मीद नहीं यह विलय या विस्फोट लगभग 2 सेकंड से अधिक चलेगा। इस तरह के असामान्य विस्फोट को लंबे समय तक चलने वाले न्यूट्रॉन तारे द्वारा समझा जा सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते हमने जो देखा वह एक न्यूट्रॉन तारे को ब्लैक होल से अलग करता है। उसके अनुसार इस घटना का अधिक अध्ययन करने से हमें यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि कौन सा सही उत्तर है। जी हाँ, माय डियर फ्रेंड्स, क्या काश सचमुच में ये सोना बनाने की फैक्ट्री हमारे हाथ लगने वाला है? देखते हैं भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। तभी तो मैं कह रहा हूं हमारा जो चैनल दुनिया नॉलेज टीवी है वो ज्ञान का भंडार है यार।